हर साल प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रयागराज के इस माघ मेले में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मान्यता है कि संगम तट पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति के कष्टों में भी कमी आती है। पद्म पुराण के मुताबिक जो त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है। आम दिनों में भी यहाँ पर स्नान करना बेहद शुभ होता है। हालांकि माघ मेले के दौरान संगम तट पर स्नान करना और भी अधिक शुभ हो जाता है। इस दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ कई साधु संत कल्पवास कर धार्मिक कार्य करते हैं। कल्पवास से साधक को मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि इस साल माघ मेले की शुरुआत कब होने वाली है और कब माघ मेले के शाही स्नान होंगे। साल 2024 में माघ मेला 15 जनवरी से शुरू होगा। हिंदू धर्म में माघ मेले का विशेष महत्व होता है। हर साल मकर संक्रांति के साथ इस मेले का आरंभ हो जाता है, जो महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने के साथ समाप्त होता है। माघ मेले की मुख्य तिथियां क्या है ये भी आप जान लीजिए। माघ मेले में पहला स्नान मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी को है। दूसरा स्नान 25 जनवरी को है। इस दिन पौष पूर्णिमा है और इसी दिन से कल्पवास का आरंभ हो जाएगा। माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी को है। इस दिन मौनी अमावस्या है। चौथा स्नान 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी को होगा। पांचवा स्नान, इस दिन माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को होगी। आखिरी स्नान 8 मार्च को है और इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। माघ मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। पूरे माह में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजा करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और मधुरा अष्टक का पाठ करें। इस माह में व्यक्ति को मांसाहार, शराब जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। अगर आप संगम पर आते हैं तो साइबेरियन पक्षियों का दीदार जरूर करें। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान आप तुलसी जी की पूजा करें और गीता का पाठ करें। माघ मास बेहद ही शुभ माना जाता है। माघ मास में भगवान का कीर्तन करें और ध्यान करें, निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। videodex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें